करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने एक बार फिर इतिहास रचने का काम किया है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने पहली बार गिर गाय के पहले स्वदेशी क्लोन के बछड़े को पैदा करने में सफलता हासिल की है। इस बछिया का जन्म 16 मार्च को हुआ था, लेकिन 10 दिनों तक उसके स्वास्थ्य को जांचने के बाद रविवार को इसके बारे में जानकारी सार्वजनिक की गई। इसका नाम गंगा रखा गया है। जानकारी के मुताबिक बछिया का वजन 32 किलोग्राम है और वो बिल्कुल स्वस्थ है। देशी गायों का ब्राजील, अमेरिका, मैक्सिको और वेनेजुएला में काफी मांग है। वहीं प्रथम क्लोन गिर गाय की बछड़ी क्लोन क्षेत्र में बड़ी क्रांति है, जो कि देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए काफी कारगर सिद्ध होगी, जिसे लेकर वैज्ञानिक काफी उत्साहित हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने 2021 में उत्तराखंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड देहरादून के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल से गिर, साहिवाल और रेड सिंधी जैसी देशी गायों की क्लोनिंग का कार्य शुरू किया। इसी परियोजना के तहत 16 मार्च को गिर नस्ल की एक क्लोन बछड़ी पैदा हुई। गिर गाय भारत के देशी गाय की एक प्रसिद्ध नस्ल है, जो मूलतः गुजरात में पाई जाती है। देशी गायों के संरक्षण और संख्या वृद्धि के लिए पशु क्लोनिंग तकनीकी विकसित करना एक अत्याधुनिक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। इस नस्ल का उपयोग अन्य नस्लों के गुणवत्ता सुधार के रूप से किया जा रहा है। गिर गाय अन्य गाय की नस्लों की अपेक्षा बहुत अधिक सहनशील होती है, जो अत्यधिक तापमान और ठंड आसानी से सहन कर लेती है। इस रिसर्च पर 2 साल से वैज्ञानिकों की टीम काम कर रही थी, जिनमें डॉक्टर नरेश सेलोकर, मनोज कुमार सिंह, अजय असवाल समेत कई बड़े वैज्ञानिकों की टीम थी। इस कड़ी में वैज्ञानिकों की टीम के प्रमुख डॉक्टर नरेश सेलोकर ने बताया कि करीब 15 सालों से भैंस की क्लोनिंग पर काम कर रहे थे। अनुभव के बाद निर्णय लिया गया कि कैटल की भी क्लोनिंग करनी चाहिए। हम जो है 2007 से या 6 से जो है भैंस के ऊपर क्लोनिंग पर काम कर रहे हैं। काफ़ी अनुभव होने के बाद हमें महसूस हुआ कि हमें कैटल की भी क्लोनिंग करना चाहिए। तो हमने 2021 में डॉक्टर मनमोहन चौहान जी जब यहाँ के संस्थान के डायरेक्टर थे, उनके निर्देशन में हमने ये कैटल क्लोनिंग का काम उत्तराखंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ काम शुरू किया। उसमें इनिशियली हमें कुछ असफलताएँ मिली। कैटल क्लोनिंग की चुनौतियाँ ये थी हमारे पास कि हमारे पास जो अंडे चाहिए होते, जो रिसिपिएंट साइटोप्लाज्म, वो जनरली हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं थे। तो हमने ओपीयू तकनीक से उस अंडे को निकाला। तो उस ओपीयू के हमारे पास 2 एक्सपर्ट है, डॉक्टर मनोज कुमार है और डॉक्टर असवाल है, जो उस तकनीक में काफ़ी उनको जो है ज्ञानता है। उसके बाद उस अंडे को जब निकालने के बाद जो है उनको लेबोरेटरी के अंदर 24 घंटे तक परिपक्व किया जाता है। उसके बाद जो हमने क्या किया कि जिस गाय का हमें क्लोन करना है, तो हमें पहले हमने तीन ब्रीड सिलेक्ट की थी। NDRI में हम साहिवाल और गिर थी और उत्तराखंड लाइफ स्टॉक बोर्ड में रेड सिंधी की काफ़ी अच्छी नस्ल है। इस प्रोजेक्ट में शामिल वैज्ञानिकों की टीम ने कहा कि गिर का क्लोन बनाने के लिए वो साइट्स को अल्ट्रासाउंड वाली सुइयों का उपयोग करके जीवित जानवरों से अलग किया जाता है और फिर नियंत्रण स्थितियों में 24 घंटे के लिए परिपक्व किया जाता है। इसके बाद बढ़िया किस्म की गायों के शरीर की कोशिकाओं का उपयोग दाता जीनोम के रूप में किया जाता है, जो ओपीयू व्युत्पन्न एनुक्लाइड ओसाइट्स के साथ जुड़े होते हैं। रासायनिक सक्रियता और इन विट्रो कल्चर के बाद विकसित ब्लास्टोसिस्ट्स को गिर बछड़े को जन्म देने के लिए पर्याप्तकर्ता माताओं में स्थानांतरित किया जाता है। NDRI के तत्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर MS चौहान के तत्वाधान में NDRI और उत्तराखंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड ने मिल के क्लोनिंग में कार्य करने का कार्य शुरू किया और आज हम उसकी सफलता यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ पैदा हुआ है। और इसके लिए जैसे कि मेरे सहयोगियों ने बताया है कि दोनों संस्थानों ने मिलके एक साथ मिलके कार्य किया है और उस कार्य की वजह से आज हमारे यहाँ क्लोन काफ पैदा हुआ है। गाय की बछड़ी पैदा हुई है जी। ये क्लोनिंग में जैसे कि उसमें नर या मादा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अगर वो नर पशु है तो नर पशु की कोशिका अगर हम ले लें तो उसी से ही हम क्लोन डेवलप कर देते हैं। यानी कि एक गाय पूर्ण है और उससे वापस उसको एक कोशिका लेके उसका वापस भ्रूण बना दिया जाए और उस भ्रूण को फिर हम प्रत्यारोपित करते हैं रेसिपिएंट गाय में। तो ये जो आपने गिर गाय देखी है, इसकी जो छोटी सी बछड़ी थी उसके पूंछ से एक कोशिका ली गई थी और बिना सीमेन इस्तेमाल किए वापस उसको एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर दिया, जो कि खुद स्वयं एक बार एम्ब्रियो रही है कि फिर बछड़ी भी वापस को आप एम्ब्रियो बना दिया, उसका भ्रूण बना दिया और इस भ्रूण को जो सरोगेट मदर है यहाँ पे उसमें प्रत्यारोपित, रिसिपिएंट जिसे कहते हैं, प्रत्यारोपित किया, जो कि HF क्रॉस है।
दुनिया भर में गिर नस्ल की गाय सबसे मशहूर है। गुजरात में पाई जाने वाली गिर नस्ल की गाय अपने विनम्र स्वभाव और दूध की गुणवत्ता को लेकर डेयरी किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही है। ऐसे में गिर गाय के पहले स्वदेशी क्लोन के बछड़े को पैदा करने में सफलता हासिल करना करनाल की राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के लिए अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। करनाल से सूर्य समाचार के लिए हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।